विंडो 11 लेटेस्ट फीचर्स की जानकारी। अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी लेटेस्ट फीचर्स की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आपको किस किस तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते हैं। तो मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो विंडो 11 का यूज़ कर रहे हैं या जो विंडो 11 को यूज़ करना चाहते हैं। आज मैं आपको इसके कुछ ऐसे फीचर्स की जानकारी दूंगा जो सच में आप सभी को जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ विंडो 11 मैंने इंस्टॉल कर ली है और इसका एक वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर ही चुका हूँ और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप ऑफिशियल तरीके से इसका अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि विंडो 11 हमारे पास आ चुकी है तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फीचर्स तो आपको नीचे टास्क बार में देखने को मिल जाता है, जो इसका टास्क बार है आपको देखिए यहाँ सेंटर में दिखाई देता है। आप चाहें तो इस टास्क बार को यहाँ लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ राइट क्लिक करना होगा, देन टास्क बार सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ टास्क बार सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहीं पर देखिए आपको टास्क बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ क्लिक करके यहाँ अभी सेंटर हो रखा है। तो जैसे ही आप लेफ्ट करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमको इसको सेंटर में ही रखना है। तो आप इस तरह इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको देखिए यहाँ विंडो का आइकन दिखाई देता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होती है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट विंडो है। आपके जितने भी प्रोग्राम हैं, आपके जितनी भी एप्लीकेशन है, आपको यहीं पर शो होती है और यहीं पर देखिए आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं और स्लीप मोड भी अपना ऑन कर सकते हैं। और यहीं पर देखिए ऑल ऐप्स का ऑप्शन है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के वर्जन में आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद में देखिए सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ कुछ भी सर्च करेंगे वो बहुत ही ईजीली आपका सर्च हो जाएगा और जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं वो एक हिस्ट्री के रूप में यहाँ जमा होती रहती है। उसके बाद में आपको यहाँ देखिए डेस्कटॉप का भी ऑप्शन दिखाई देता है। सपोज करिए यहाँ मैं एक कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने ओपन कर लिया, अब मैं चाहता हूँ एक नया डेस्कटॉप मेरे यहाँ बन जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा यहीं पर देखिए आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देता है। प्लस का ऑप्शन दिखाई देने के बाद देखिए मेरा एक नया डेस्कटॉप ओपन हो चुका है, ये मेरा पुराना डेस्कटॉप है और यहीं से मैं डेस्कटॉप पर मूव हो सकता हूँ। ये मेरा नया डेस्कटॉप है, अगर मुझे उसको बंद करना है तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जिसमें आप मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट करके अलग अलग एप्लीकेशन खोल के अपना वर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद में देखिए आपको यहाँ विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल विजेट्स है वो आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ आपको वेदर दिखाई देता है, अगर आप अपने सिटी का या वेदर सेट करना चाहते हैं तो आपको तीन लाइनों पर क्लिक करना है और कस्टमाइज विजेट्स पर क्लिक करके आपको केवल यहाँ सिटी का एड्रेस एंटर करना है। तो फिलहाल मैं हरिद्वार से हूँ तो यहाँ मैंने अपना हरिद्वार का वेदर ऐड कर रखा है। इसके बाद जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए सारी की सारी न्यूज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर आप इन न्यूज़ को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मल आपको यहाँ अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहीं पर आपको मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको केवल यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी भाषा को सेट कर लेना है। आपको जिस भी भाषा में इसके अपडेट चाहिए वही अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इसको यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद में आपके सामने वेब ब्राउज का ऑप्शन होता है और ये आपका फोल्डर का ऑप्शन होता है, जो भी आप यहाँ खोल कर रखते हैं फोल्डर वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं और साथ ही आपकी सारी एप्लीकेशन आपको यहीं दिखाई देती है। उसके बाद में देखिए यहाँ आपका इंटरनेट वाला ऑप्शन है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलता है। इसी में आपको सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहाँ आप अपने अनुसार इन चीज़ों को ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ कैलेंडर वाला ऑप्शन भी दिखाई देता है और जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो भी आपको ऊपर दिखाई देते हैं। इसकी और भी हम फीचर्स की बात कर लेते हैं तो जब आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अभी यहाँ रिफ्रेश वाला ऑप्शन गायब है। तो यहाँ इन्होंने व्यू दे रखा है, शॉर्ट बार दे रखा है, न्यू आइटम दे रखा है और अगर आपको रिफ्रेश वाला ऑप्शन चाहिए तो आपको शो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहीं पर आपको रिफ्रेश वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम इसकी और सेटिंग्स खोलते हैं। सेटिंग्स ओपन करने के बाद देखिए आपको यहाँ अलग अलग तरह की थीम्स देखने को मिलती है। जब आप यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड पर भी आपको काफ़ी सारी थीम्स देखने को मिलती है। आप अपने अनुसार किसी भी थीम को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी विकल्प इसके अंदर दे रखा है। तो यहाँ से फिलहाल मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद देखिए कलर का ऑप्शन है, आप यहाँ अपने अनुसार डार्क मोड या लाइट मोड में इस
विंडो के आइकन को या विंडो को रख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ लाइट किया तो देखिए पूरी ये पूरी लाइट वाइट में यहाँ आ चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से डार्क कर देता हूँ। नीचे आपका देखिए टास्क बार का ऑप्शन है। अगर आप अपने टास्क बार का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो विकल्प भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ मैनुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी सेटिंग करनी है। तो फिलहाल यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद थीम का ऑप्शन, लोकेशन का ऑप्शन है कि आप अपने लोकेशन में किस तरह का विजेट्स दिखाना चाहते हैं। जो भी आप विजेट्स दिखाना चाहते हैं वो सेटिंग्स भी आपको यहाँ मिल जाती है। इसके बाद टच कीवर्ड का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए काफ़ी सारे यहाँ कीवर्ड के इंटरफेस आ जाते हैं। आप किसी भी तरह का कीवर्ड यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका वर्चुअल कीवर्ड होता है वो यहाँ होता है, लेकिन फिलहाल अभी हमको यहाँ कीवर्ड शो नहीं करा है। तो उसके लिए आप यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आइए और टास्क बार सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए आपका टच कीवर्ड है अभी ऑफ हो रखा है, तो उसके यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करते ही हमारा कीवर्ड हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ से मैं फिलहाल बैक आ जाता हूँ। अब हम अपना कीवर्ड यहाँ से ऑन करते हैं। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट इसका ये कलर आ रहा है, लेकिन आप अपने अनुसार यहाँ कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक कलर यहाँ से सेट हो चुका है। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो नॉर्मल आपको सिंपल क्लिक करना है, उसके बाद अपना कीबोर्ड ओपन कर लेना। देखिए यहाँ चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ कोई भी कलर अपने अनुसार देखिए रख सकते हैं। काफ़ी सारे कलर्स यहाँ दे रखे हैं, उसी के अनुसार आप अपने इस कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक कलर यहाँ से सेट कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ इमोजी का ऑप्शन भी मिलता है। इमोजी के ऑप्शन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। और देखिए आपको इमोजी के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, GIF के ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने अनुसार किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे देखिए यहाँ इमोजी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक फीचर इसके अंदर एक्स्ट्रा दिया गया है। तो फिलहाल हम दोबारा से बैक आ जाते हैं। टच कीबोर्ड हमने देख लिया है। स्टार्ट पे क्लिक करके भी आपको यहाँ काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। आप अपने अनुसार इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद टास्क बार की सेटिंग्स है। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप सर्च बॉक्स को रखना चाहते हैं तो आपको इसे ऑन करना होगा, वरना आप इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। बाकी और भी सेटिंग्स यहाँ दे रखी है, आप अपने अनुसार इनका सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद फॉन्ट से आपको यहाँ जितने भी आपके सिस्टम में फॉन्ट है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ देखने को मिलता है। आप किसी भी फ़ोन का प्रीव्यू यहाँ बहुत आराम से देख सकते हैं। इसके बाद आपको डिवाइस एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें आपको गेमिंग फैमिली करके अलग अलग कैटेगरी दिखाई देती है। आप जिस भी ऑप्शन को अनेबल करेंगे वो सेटिंग इसके अंदर अनेबल हो जाएगी। तो चलिए फ्लैश को यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। आपको मैं इसकी सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, देन इसकी सेटिंग्स खोल रहा हूँ। सेटिंग्स में भी देखिए आपको काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। सारा का सारा इंटरफेस यहाँ चेंज हो चुका है। डिस्प्ले का ऑप्शन चेंज हो चुका है, साउंड का ऑप्शन चेंज हो चुका है। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आप अपने अनुसार इन सब की सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको विंडो अपडेट करनी है तो यहाँ पर देखिए विंडो अपडेट का ऑप्शन है। नॉर्मल आपको चेक फॉर अपग्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर कोई इसका अपडेट होगा तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरे यहाँ कोई भी अपग्रेड नहीं है, तो इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। और जो चेंजिंग इसके अंदर दी गई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा द पीसी ओपन हो चुका है। यहाँ आपको देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे। अगर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन सारे के सारे यहाँ से चेंज हो चुके हैं। अगर आपको किसी की प्रॉपर्टीज़ खोलनी है तो आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन सबसे लास्ट में मिलेगा। बाकी और किसी तरह के ऑप्शन आपको यहाँ जब आप मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको किसी हिडन फाइल को देखना है तो वो फीचर्स देखिए आपको यहाँ शो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा। वरना जो हमारा विंडो 10 था वो ऊपर ही दिखाई देता था। उसके बाद में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। आप अपने अनुसार इनका यूज कर सकते हैं। और बाकी इसके और भी फीचर्स की जानकारी मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए मैंने एक ये विंडो ओपन कर रखी है और देन यहाँ से मैं फिलहाल कुछ और ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने इस वाली विंडो को भी ओपन कर लिया है। अब इसमें एक फीचर है, जैसे ही आप अपना माउस यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको नॉर्मल एक क्लिक करना है। एक क्लिक करने के बाद आपकी ये विंडो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये आपकी पहली विंडो आ चुकी है, ये आपकी सेकंड विंडो आ चुकी है। तो आप जैसे ही इस वाली विंडो पर क्लिक करेंगे तो आपके ये दोनों इसी वाले ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही मान लिया मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर मान लिया मुझे 3 इंटरफेस की विंडो चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी एक विंडो ये आ चुकी है और देन हमारी सेकंड विंडो ये आ गई है। थर्ड विंडो को आप अपने अनुसार यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया फीचर्स है जो विंडो 11 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसको यहाँ से मैं क्लोज कर लेता हूँ
और भी काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।